अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेरा नाम रुबीना है, मैं गुडीमलकापुर पे रहती हूँ, चैतन्य पैराडाइस। आज मेरे बहन के दामाद घर पे आए थे, मेरी बहन मेरे से मिलने आए थे तो मेरी बहन को बीपी हाई है, वहीं पे आई है तो गोली लेने के लिए मेरी बहन की बच्ची मेडिकल शॉप को गई तो उतने में इनके शौहर आए, उनके ससुरे फ़ोन करे कहते तुम्हारी बीवी बाहर है बोले, तो मेरे उनके शौहर मेरे घर पे आए तो मैं दरवाज़ा खोल के बोली क्या है खुदूस बोल के बोली तो नहीं है तो समीरा है क्या बोल नहीं है बोल के बोली मैं बोली तो धनाधन अंदर घुस के गालियाँ शुरू करके धनाधन अंदर घुस के मारम तोड़ी करके पूरा तोड़म ताड़ करके मेरे एक साल के बच्चे के गले पे चाकू रख के इसका गला काट देता हूँ बोल के इतना मारे पूरे दम मारे मार के हैसो 5 लाख रुपए मेरे घर में था, लॉकर तोड़ के 5 लाख रुपए लेके गए, सोना ले लेके जाए, मैं पीछे भागी, पैसे मेरे शोहर के है कारोबार के। उस वक्त आपके घर पे कोई जेंट्स नहीं थे? कोई भी जेंट्स नहीं थे, नीचे से चीखा मार के पूरी पब्लिक को बुलाई मैं, कोई भी आओ और 100 डायल करी तो पुलिस भेज रहे बोल के 15-20 मिनट हो गए पुलिस नहीं आई मेरे पास। मैं नीचे उतर के भाग के पकड़ने गई तो 3-4-5-6 मुरादनगर के कोई रॉडी चिट रहा है कहते गाड़ियों के ऊपर 6 जने आए आके पूरे मेरे शोहर के काम करने वालों को मारे, मेरे को मार के ले लेके भाग के जो करती कर ले तो जो होना है देख ले तो वो कौन की रॉडी चिटर है कहते चिकन की दुकान है कहते वो गौरी नाम है कहते चिकन की दुकान है कहते उन्हें भी आया था आके पूरों को मारम तोड़ी करके मेरे बच्ची को उठा लेते कहते मेरी बच्ची छोटी है सर कॉलेज जाती मेरी बच्ची को उठा लेता हूँ तेरी बच्ची को उठा लेता हूँ तेरे शोहर का मर्डर कर देता हूँ बोल के धनाधन मार के पूरे पैसे लेके भाग गए। और जर्रा खौफ नहीं है सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ असद सर से पूछना चाह रही हूँ, मैं केसी सर से पूछना चाह रही हूँ क्या रोडिज्म इतना बढ़ गया लेडीज को अंदर घुस के मारती ये लोग ये आदमी इतने बढ़ गए क्या रॉडी शीटरों को आप लगा इतना वो दे दिया राइट्स के अंदर घुस के मारे और औरतों को और छोटे छोटे बच्चों के गलों पे चाकू रखे, आज उन्हें चाकू रखा कल मेरे छोटे बच्चे को मार देता मेरी बच्ची को मार देता मेरे शोहर को मार देता, हम लोगों को पूरों को जान का धोखा है ये लोगों से। अगर गुडीमल का PS तो मेरे से कोऑपरेट कर रही, अगर 19-20 कुछ भी हुआ फिर ही ने बोल रहा मेरे शोहर को मार देता बोल के मैं दारू सलाम जाऊंगी असद सर के सामने बैठ जाऊंगी मैं, मेरे को आना मेरे को फैसला होना, मेरा भौने भी हार्ट पेशेंट है 50-50 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए बच्ची से डोरी मांगेंगे तो कौन देंगे कहाँ से ला के देंगे, गरीब माँ बाप शादी करते सही बहुत बड़ी बात है डोरी ला के देने के, ये लोग अगर ये लोग नहीं कमा सकते तो घर में बैठ जाना निखट्टुआ शादियां कहीं को करते बच्चियों से पैसों के लिए शादियां करते, यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही ये रॉडिज्म को खत्म करो सर, ये इन्हें अंदर घुस के औरत को मार के जाके बैठा हुआ है अभी तक नहीं आया, कनाडा भाग जाता माँ भाग जाता बोल के हम लोग को बोल रहा अभी भी डरा रहा, मेरी बच्ची छोटी है मेरी बच्ची को उठाता कहते मेरे साथ भी गैर गलत हरकत करा, मैं कंप्लेंट में नहीं लिखाई अब मैं लिखाऊंगी कंप्लेंट वो भी डालूंगी, इन्हें गलीस आदमी है ये, हमारी बहन क्या सोच के बच्ची को दी है नहीं मालूम हमारे को, मगर ऐसी हरकत करने से हमारी बहन को भी मालूम हुआ, इसकी सास बदर सुल्ताना है ये अब्दुल खुद्दूस है और कौन है अलीम कहते यूके में रहते अब्दुल खुद्दूस कहाँ पे रहते अब्दुल खुद्दूस यहाँ पर वंश ज्योति नगर में रहते और इनके भाई खयूम है इनके बाबा का नाम और जो इनके भाई है यूके में जाके बैठे हुए हैं, मैं यूके गवर्नमेंट को भी कंप्लेंट करने वाली हूँ पूरे फेक सर्टिफिकेटों पे जाके बैठे हुए हैं तो पैसा रख ले के हम पैसों से ऐसा कर देते तेरी बच्ची को उठा लेते पहलवानों से बच्ची को उठाने लगाते कहते मेरी कौन पहलवाना बच्ची को आके उठाते देखेंगे, मेरे को इंसाफ होना असद सर कहने मैं जाती हूँ कल दारू सलाम जाके मैं इंसाफ लेती हूँ कौन रॉडी शीटरा है इतना कितना रॉडिज्म बढ़ गया मेरे को भी देखना है सर, बस इतना ही मेरे को बोलना है बस। मोहम्मद अमानुल्लाह मैं गुडी मलकापुर में मेरे सेठ है ये मेरे खलेरे भाई भी होना है मैं उनके पास काम करता हूँ पीछे ऑफिस है हमारा, थोड़ी देर 3 बजे के टाइम पर चीखा पुकारे की आवाज़ आई मैं बाहर निकल के देखा मेरे भाभी ऊपर से चीखा मार रहे थे खिड़की में से, मैं जैसे ही भागा वो खुद्दूस नामी इनका दामाद खलेरा दामाद वो पैसे लेकर हाथ में चाकू लेकर भाग रहा था, मैं पकड़ने गया तो मेरे पैर पर अटैक किया, ये दो मेरे काम वाले सेठ के इनके ऊपर भी अटैक किया, ये लोग भी पकड़ने गए थे, उसके बाद मैं बेहोश हो गया मेरे हाथ को फ्रैक्चर आया पैर में फ्रैक्चर आया, उसके बाद मेरे को गुडी मलकापुर में कंप्लेंट करने पर उस्मानिया दवाखाना भेजी वहाँ से MLC लेकर आ गया एडमिट करा गया, मुझे इंसाफ चाहिए।